आपका क्वेश्चन है, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज टू थर्ड ऑफ इटसेल्फ, डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमको यह देखना है इसने क्या बोला कि सप्लीमेंट, सप्लीमेंट में क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हम यहां लिख लेते हैं सम ऑफ, यहां पर क्या है, दो एंगल की बात हो रही है, तो सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। नाउ सपोज फर्स्ट एंगल इज आवर एक्स, तो हम यहां पर लिख लेते हैं लेट द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू कितना, एक्स डिग्रीज। तो सप्लीमेंट एंगल क्या होगा इसका, सप्लीमेंट एंगल क्या होगा इसका, 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्रीज। ठीक है, यहां तक तो हो गया। नाउ अब इसने क्या कहा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज टू थर्ड ऑफ इटसेल्फ, दैट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्रीज इज इक्वल टू टू थर्ड मींस 2/3 ऑफ इटसेल्फ, दैट मींस ऑफ इटसेल्फ एक्स डिग्रीज। ठीक है, नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखते हैं, हमारा आ जाएगा 3 इंटू 180 डिग्रीज माइनस एक्स डिग्रीज इज इक्वल टू 2x डिग्रीज। ठीक है, 3 इंटू 180 कितना हो गया आपका, जस्ट देखो आप, 0, 3 इंटू 8 इज 24, 2 कैरी, 3 वन जा 3 एंड 5, 540 डिग्रीज माइनस 3x डिग्रीज गिव्स यू 2x डिग्रीज। ठीक है, तो माइनस 3x को राइट साइड में लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 540 डिग्रीज इज इक्वल टू 2x डिग्रीज प्लस 3x डिग्रीज, तो क्या हो गया आपका 5, है ना, 5 डिग्रीज। तो यहां पर हो गया आपका 540 डिग्रीज इज इक्वल टू 5x डिग्रीज। तो x क्या हो गया आपका, x डिग्रीज इज इक्वल टू 540/5, 540 डिग्रीज बाय 5। कट करेंगे 5 से तो हमारा क्या आएगा, देखते हैं, 1, 4 में नहीं जा रहा है, दैट मीन 0, 40 इज 8, तो आपका x डिग्रीज कितना हो गया, 108 डिग्रीज। ठीक है, x इज 108 डिग्रीज। व्हाट इज सप्लीमेंट, नाउ सप्लीमेंट आपका कितना हो गया, 180 माइनस 8 डिग्रीज, तो 108 का क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस 108 डिग्रीज, That gives you 72 degrees. ठीक है,